हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल के अंदर जो भी स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, और सबके अपने यूनिक स्ट्रक्चर्स और काम होते हैं। उन्हीं के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, और हम लिस्ट डाउन भी करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल मतलब ट्रू सेल के अंदर ही ऑर्गेनल्स होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा है कि डीएनए और राइबोसोम के अलावा एस सच कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो फोकस करेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल में। आपको स्क्रीन में दिख रहा है न्यूक्लियस, राइबोसोम और ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेल में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे न्यूक्लियस से, ठीक है। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन भी होती है, मतलब डीएनए भी होता है, राइट। क्रोमैटिन लिख लेती हूँ, क्रोमैटिन स्लैश डीएनए। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। इसके अलावा आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER कहते हैं शॉर्ट में। इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही साथ राइबोसोम, ऑर्गेनल है। गॉल्गी अपरेटस, ठीक है, गॉल्गी अपरेटस। इसके अलावा साइटोप्लाज्म, इज अ काइंड ऑफ अ मीडियम, ठीक है, मीडियम ही है वो। लाइजोसोम और ऑक्सीजोम, ठीक है, लाइजोसोम पर ऑक्सीजोम। वैक्यूल्स, ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया मैंने, वैक्यूल्स। इसके अलावा अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड, एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, आज की क्लास में हम न्यूक्लियस कवर करेंगे और राइबोसोम कवर करेंगे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीन चीजें हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले देखा, डेड सेल को। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा, ठीक है। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, समटाइम्स कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। इट इज बाउंड विथ अ न्यूक्लियर एनवेलप, वी कॉल इट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच कंप्राइजेज ऑफ टू मेम्ब्रेन, ठीक है, एक तो अंदर वाली लेयर और एक तो बाहर वाली लेयर। इट कंटेन्स डीएनए एज क्रोमैटिन विच इज अनकंडेंस्ड, या फिर क्रोमोसोम्स विच इज कंडेंस्ड और रेप्लिकेटेड। अब अनकंडेंस्ड की मैं बात करूं तो देखो ये क्या है, लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है, लीनियर फॉर्म में आपका क्रोमैटिन पड़ा है। जब सेल डिवीजन होता है ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, और इस तरीके का स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर गेन करते हैं तभी ही हम इसको क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस में देख सकते हैं। आप नॉर्मल टाइम पे क्रोमोसोम को विजुअलाइज नहीं कर सकते, स्टेनिंग करके आप सेल डिवीजन के टाइम में ही देख पाओगे, ठीक है। जब इसके अंदर का स्ट्रक्चर आप देखोगे तब जाके आपको इस तरीके से यहाँ पे बीड्स में ऐसा लगेगा, मोतियों की माला में कोई धागा पिरोया हुआ है, ठीक है। बीड्स विच इज कनेक्टेड टू अ थ्रेड, इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। सो दीज बीड्स वाला स्ट्रक्चर इज हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन है, और ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका डीएनए, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम में इस तरीके से पैक होके रहता है, तो इसी वजह से हमने इसको डीएनए बोला या फिर क्रोमैटिन बोला। अगर हम अनकंडेंस्ड स्ट्रक्चर की बात करें, कंडेंसिंग नहीं हुई है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन,
सिर्फ अगर हम डीएनए इस तरीके के स्ट्रक्चर को देखें तो इसको हम बोलते हैं डीएनए और इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, एंड इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस विच हैव आरएनए। आरएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये देखो ये न्यूक्लियोलस है और यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज न्यूक्लियस। फाइन, ओके। डिस्कवरी कैसी हुई? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। देखो लिविंग सेल तो देखी थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, इसके बाद जो फ्रेंड्स बॉयज बोवियर थे उन्होंने इसे डिस्क्राइब करा इन 1804। इसके अलावा जो स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन उन्होंने एक्सप्लेन करा इन डिटेल इन 1831। तो जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, वो रॉबर्ट ब्राउन के हिस्से आती है। ठीक है, जब कभी भी आप जब सर्च करोगे कि किसने डिस्कवर करा न्यूक्लियस को तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने दिखाता है। बट इन 1804 फ्रेंड्स आल्सो ट्राइड टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेल बायोलॉजी। द न्यूक्लियस, लैटिन वर्ड न्यूक्लियस या न्यूक्लियस से आया जिसका मतलब होता है कर्नल, विच इज अ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल विच इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। इट इज द कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, साइज और शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल ऑर्गेनेल है। इट हैव अप्रोक्सीमेटली 3 to 10 mm डायामीटर। यूजुअली ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच सेल। देखो हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट सर्टेन सेल फॉर एग्जाम्पल बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स, जैसे कि कुछ लिवर सेल्स बाई न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स सच एज स्केलेटल मसल सेल्स, इनके पास एक से ज्यादा सेल होती है। और एक ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है वो आपकी आरबीसीज है। रेड ब्लड सेल्स में देर इज नो न्यूक्लियस, रिमेंबर दैट। नाउ अब क्या क्या काम करती है सेल? सेल गॉट अ वर्क टू लिव। कैसे? व्हाट जॉब डू सेल्स हैव टू डू? इट मेक्स प्रोटीन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेल्स बहुत सारे काम करती है जिसमें से एक काम है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन कंट्रोल्स एवरी सेल फंक्शन। और ये प्रोटीन किससे मिलके बनता है, इसकी यूनिट क्या है? प्रोटीन की यूनिट होती है अमाइनो एसिड्स, which is very essential for our lives. It makes energy, daily life की energy और growth के लिए energy create करती है। It makes more cell, grow करती है, repair करती है, renewal करती है different cells को। ठीक है, protein do all the work। क्या क्या protein work करती है? देखो DNA में भी protein है, right? Protein of course is very important and it is really very important for cell. Protein synthesis में RNA, ribosomes बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टार मार्क कर लो इन दोनों को। सेल फंक्शंस क्या है? बिल्डिंग प्रोटीन्स, रीड डीएनए इंस्ट्रक्शंस। याद करो आपने स्कूल्स में क्या पढ़ा है? स्कूल्स में पढ़ा है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। सेंट्रल डोगमा का रूल है ये। डीएनए क्या करता है? डीएनए रेप्लीकेट करता है खुद को, इटसेल्फ। तो इसको हम बोलते हैं रेप्लीकेशन। ठीक है, जब डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, अब जो आरएनए हमने बना लिया उससे जब प्रोटीन हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन भी आपकी बॉडी में किससे बन रही है? डीएनए से बन रही है। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है भाई। खाली पेज हो तो हम एक बार वापस से डिस्कस करें। हाँ ठीक है, सो आई एम गोना इरेज दैट। ये क्या है? हमारा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, सबको पता है। इसमें बेस पेयर्स हैं, एटीजीसी का बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ बेस पेयर्स जैसे कि ए जी टी ए ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? जी सी ए टी
टी, ये फॉर एग्जाम्पल इनकी क्या है, बेस पेयर की रीडिंग है। तो जब हम डीएनए से इसके एक स्ट्रैंड को, जो हमारा मेन स्ट्रैंड होता है, उसको हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करें, अब आप याद करो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होता है ए टी जी सी। आरएनए में आपने पढ़ा होगा कि ए जी सी और यू प्रेजेंट होते हैं, टी रिप्लेस हो जाता है आरएनए में। तो देखो जहां जहां पे भी टी है वो क्या हो जाएगा, यू में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हियर आई विल राइट यू, सी है तो मैं लिख दूंगी जी। हम ये वाला स्टैंड क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। लेट्स से ये हमारा जो स्टैंड है ये हमारा रीडिंग स्टैंड है, ठीक है। यू सी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है जी, एक कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, बट हम उसको रिप्लेस करेंगे यू से। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है, तो यू का भी ए ही रहेगा, तो यहाँ पे हम ए ए लिखेंगे। तो ये हमने रीडिंग कर ली आरएनए में, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, अभी मैं पूरी की पूरी प्रोसेस डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब ये जो आरएनए है इसकी यूनिट, ये जो आरएनए है जो हमने, लेट्स से हमने यह रीडिंग कर ली कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की, अब ये जाता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम की जो यूनिट है इसके ऊपर बैठेगी और रीड करेगी तीन तीन कोडॉन्स, जैसे कि यू जी यू, दिस इज अ यू जी यू, ये क्या है, ये एक जेनेटिक कोड है जिसे हम कोडॉन भी बोलते हैं। वो रीड करके क्या बनाएगी, एक अमीनो एसिड बनाएगी, अमीनो एसिड इकट्ठे होकर प्रोटीन बनाएंगे, और ये जो रीडिंग की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। आई होप याद आ गया होगा आपको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये सारा काम सेल के अंदर चल रहा होता है, इसी वजह से बार बार आपको प्रोटीन प्रोडक्शन बताया जाएगा। इट बिल्ड्स प्रोटीन, रीड डीएनए इंस्ट्रक्शंस, डीएनए इंस्ट्रक्शंस को रीड करना इस ट्रांसक्रिप्शन, बिल्ड प्रोटीन इस ट्रांसलेशन, इट प्रोसेस प्रोटीन जैसे कि फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन, रिमूविंग अमीनो एसिड्स, एडिंग अदर मॉलिक्यूल्स, मेकिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड सेल मेम्ब्रेन्स, इस तरीके के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स बनाने का काम करती है सेल। इट एड्रेसेस एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाती है और उसको रिक्वायर्ड प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट भी करती है। नाउ हाउ इट बिल्ड्स द प्रोटीन, ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व्ड न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी एपरेटस एंड वेसल्स, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या है आपका डीएनए, सो डीएनए का एक स्टैंड रीड करेगी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से आ जाएगी राइबोसोम में। मैंने बताया जो आरएनए है वो किससे अटैच होगा, राइबोसोम से अटैच करेगा, और राइबोसोम रीड करेगा इंफॉर्मेशन को और ट्रांसलेट करेगा। अब वो दे देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका डिलीवरी, ये है डिलीवरी बॉय आपका, है ना। जैसे आप कभी भी कुछ ऑनलाइन सामान खरीदते हो तो वो डिलीवरी बॉयज लेके आते हैं, डिलीवरी पर्सन्स लेके आते हैं, राइट, आपको रिक्वायर्ड टाइम्स में डिलीवर करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यही करता है, और किसके पास लेके जाता है, गॉल्गी एपरेटस के पास, और ये गॉल्गी एपरेटस फर्दर वेसल्स को दे देती है, और ये वेसल्स रिक्वायर्ड प्लेस पे उस प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। वेसल्स के थ्रू ही क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आई, न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन कहाँ आई, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। राइबोसोम्स पे तो पहले बन जाएगी, ठीक है, यहीं कहीं राइबोसोम्स भी होगा, उसके बाद आएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर आ जाएगी गॉल्गी एपरेटस, ये जो आपको दिख रहा है दिस स्ट्रक्चर इज गॉल्गी एपरेटस, फिर वो होते हुए वेसल्स में चली जाती है। सो दिस इज दी प्रोटीन असेंबली लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू इट ट्वाइस, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पुटिंग प्रोटीन्स टुगेदर, मेकिंग प्रोटीन्स, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, दिस इज योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेके आई हमारी आरएनए बाहर। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो आपको छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, ये आपके अटैच्ड होते हैं स्मॉल राइबोसोम से, ठीक है। दीज आर, इसी वजह से ये रफ हो जाते हैं, जो स्मॉल स्मॉल आपके क्या है, राइबोसोम्स हैं, दीज आर राइबोसोम्स। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस से हमारा आरएनए आया, ये राइबोसोम यूनिट ने उसको क्या करा, रीड करके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हमारा है ही डिलीवरी बॉय, इसने क्या करा, इसको ट्रांसपोर्ट करा, ठीक है। यहाँ पे आ गया गॉल्गी एपरेटस ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, इन्होंने क्या करा, इस इंफॉर्मेशन को लेके आया, गॉल्गी एपरेटस ने इसे असेंबल करा, ठीक है, इस अमीनो एसिड्स को क्या करा, असेंबल करा, प्रोटीन में कन्वर्ट करा, अगेन वेसल्स के थ्रू ये कहां चला जाएगा,
प्रोटीन सीक्रेट हो जाएगी, अपने डिजायर्ड प्लेस पे चले जाएगी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, ये जो चेन है यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे हो रहा है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में बन गए अमीनो एसिड्स, वो असेंबल होके बनाएंगे प्रोटीन, प्रोटीन जाएगी गॉल्गी अपैरेटस, गॉल्गी अपैरेटस से आपकी डिलीवरी बॉय, डिलीवरी पर्सनालिटी, ओके सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका डिलीवरी, गॉल्गी अपैरेटस भी क्या करती है उसको फाइनलाइज, फिनिशिंग प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट कहाँ जाता है, वेसिकल्स के थ्रू डिजायर्ड प्लेस पे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस अगर हम देखें, सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज मेड अप मेड अप बाय न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर पोर्स, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म की जैसे दिस इज अ लिक्विड विच इज अ लिक्विड मीडियम, क्रोमैटिन इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ डीएनए, न्यूक्लियर पोर्स आर स्मॉल पोर्स जिसमें से आपके स्ट्रक्चर्स इन एंड आउट होते हैं, ठीक है। अगर आपके न्यूक्लियस में पोर ही नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बाहर कैसे आएगी न्यूक्लियस से, है ना। तो इस वजह से छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो एक एनवलप में इनक्लोज्ड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप। लास्टली न्यूक्लियोलस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो ये आपका स्ट्रक्चर है इसका, न्यूक्लियस का, ठीक है। ये आपकी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, इसके न्यूक्लियस को जूम कर दिया इस वजह से ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है। यहाँ पे देखो दिस इज न्यूक्लियर एनवलप, दिस इज आउटर लेयर, दिस इज इनर लेयर, इसके बाद न्यूक्लियोलस, इसके अंदर जो लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, हेटरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन भी प्रेजेंट होता है। यूक्रोमैटिन मतलब ट्रू क्रोमैटिन, मतलब सारे काम की चीज यूक्रोमैटिन में होगी। हेटरोक्रोमैटिन इज द प्लेसेस वी डू नॉट व्हाट दे डू, है ना, हमको पता ही नहीं क्या काम करते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड एट द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, इसके अलावा ये छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स हैं जिसके थ्रू ही आरएनए ट्रांसलेशन के ट्रांसक्रिप्शन के बाद बाहर आएगी। वी हैव न्यूक्लियस, इट प्रोटेक्ट्स डीएनए, न्यूक्लियर एनवलप इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन विच फ्यूज विद इन स्पॉट्स टू क्रिएट पोर्स, स्पॉट्स टू क्रिएट पोर्स, इट अलाउज लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स टू पास थ्रू, मतलब जितने भी बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको आने जाने की जगह भी तो देगा। यहाँ पे देखो दिस इज हिस्टोन प्रोटीन, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज डीएनए, और वो इस तरीके से क्रोमोजोम बनाते हैं, ओके। नाउ न्यूक्लियर एनवलप का क्या काम है, इट इज एनवलप जो कि आपके प्रोटेक्शन देता है आपके न्यूक्लियस को, दिस आप इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन विच इज अरेंज्ड पैरेलल टू वन अनदर, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद अ मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छपा हुआ है ना, ये देखो कैसे जुड़ा हुआ है बिल्कुल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो विच इज क्लोजली एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेसिस। Next up we have the inner surface of nuclear envelope is bound with a thin filamentous network called as a laminous protein called a nuclear lamina. It provides mechanical support for the nuclear envelope and it serves as the site of attachment of क्रोमैटिन फाइबर, तो जो आपके क्रोमैटिन फाइबर से वो यहाँ अटैच होते हैं। द न्यूक्लियर लैमिना इज कम्पोज मोस्टली ऑफ लैमिनार प्रोटीन और लैमिना प्रोटीन्स, mutations in lamin genes leading to defects in filamentous assembly are known as laminopathies, that is a rare form of muscular dystrophy. ये एक तरीके का क्या है, genetic disorder है, इसमें protein नहीं बनेगी, ठीक है। किसी तरीके की म्यूटेशन हो गई है लैमिनस जीन में तो लैमिनार प्रोटीन नहीं बनेगी जिसके वजह से फिलामेंटस असेंबली नहीं हो पाएगी जिसको हम बोलेंगे लैमिनोपैथीज जो कि एक तरीके की मसल डिस्ट्रोफी है। न्यूक्लियर पोर्स आर द गेटवेज, छोटे छोटे गेट्स हैं ताकि आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि mRNA, tRNA, डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA, RNA के अलग अलग टाइप है ना, tRNA, mRNA और क्या है मैसेंजर ट्रांसपोर्ट और एक और आरएनए होता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके के आरएनए हैं, इनके आने जाने के लिए गेट भी तो जरूरी है, इस वजह से काम करती है, एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। ये चीजें याद करने की है आपकी। एंड देन प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इन न्यूक्लियस, एमआरएनए ट्रेवल्स
ट्रेवल्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर। वही मैंने बताया ना, जो ट्रांसक्रिप्शन है मतलब डीएनए की इन्फॉर्मेशन आरएनए में कन्वर्ट होना। देखो डीएनए के एक स्ट्रैंड को एक सिंगल आरएनए क्या कर रही है, कॉपी कर रही है। जो एमआरएनए होती है मतलब मैसेंजर आरएनए, इसने मैसेज मैसेज ट्रांसफर करा, अब ये मैसेंजर आरएनए बाहर आ जाएगी और ट्रांस जो ट्रांसपोर्टेशन आरएनए है, जो ट्रांस ट्रांसफर आ रहे हैं, वो एक जगह से इन्फॉर्मेशन दूसरे जगह लेके जाएगा। ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस से निकलेगी, दिस इज एमआरएनए, वो अटैच हो जाएगी राइबोसोमल यूनिट। दो यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है। ये साइटोप्लाज्म में आ गई ना। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, मतलब डीएनए की इन्फॉर्मेशन कहाँ कॉपी होती है, आरएनए में कॉपी होती है, न्यूक्लियस में। फिर बाकी का काम कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये काम होता है, ठीक है। दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियर पोर, फिर यह साइटोप्लाज्म विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। न्यूक्लियोप्लाज्म का भी इंपॉर्टेंट रोल है, इट इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्म, और ये क्रोमोजोम और न्यूक्लियोली के लिए एक तरीके का मीडियम है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एंजाइम्स विच इम्पैक्ट डायरेक्ट एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन न्यूक्लियस एंड आर डिजॉल्व इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में डिजॉल्व होते हैं। क्रोमोजोम्स आर नथिंग बट योर डीएनए, ठीक है। मैंने कई बार बता दिया व्हाट इज क्रोमैटिन, हेटरोक्रोमैटिन, न्यूक्रोमैटिन होता है। दिस इज लेस कंडेंस, दिस इज हाईली कंडेंस। हेटरोक्रोमैटिन हैव डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, न्यूक्रोमैटिन इज नोन एज ट्रू क्रोमैटिन, देख लो, ठीक है। दिस इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फंक्शंस क्या है, पैकेजेस ऑफ डीएनए दैट पैकेजेस ऑफ डीएनए इनटू अ सिमिलर वॉल्यूम टू फिट इन द सेल। It strengthens the DNA to allow mitosis and meiosis, मतलब cell division, serves as a mechanism to control expression. Histones are the proteins that is closely associated with DNA molecule that are responsible for the structure of chromatin. मैंने आपको ये चीज भी बताई है।